दिवाली की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली हो और हम मिठाइयां ना बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 दिवाली की स्वीट्स जो आप घर में बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आज हम बनाएंगे कलाकंद, बेसन की चक्की, बालूशाही और गुलाब जामुन। ये सारी जो रेसिपीज़ हैं मेरी दादी के साथ बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक देखिए, लाइक करें और कमेंट करें आपकी फेवरेट रेसिपी। मैं पूरी वीडियो में आपके साथ ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर देखें। आज हम बनाएंगे मुंह में घुलने वाले गुलाब जामुन, बहुत सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेंगे। जो हम बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए 1 कप मैदा। मैं यहाँ लूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच दूध। फिर आप लें 1 किलो मावा, ये मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। यहाँ लें 800 ग्राम चीनी, ये 3.5 कप चीनी है। हम लेंगे पानी, आप यहाँ पे थोड़ी सी केसर भी लीजिए और इलायची पाउडर लीजिए। आप चाहें तो जो मावा है उसके साथ हम पानी भी यूज़ कर सकते हैं या दूध यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मावे को ऐसे किस लेंगे, आप ऐसे एक बड़ा सारा ग्रेटर लें और पूरे मावे को किस लें। इसे किसना इसलिए ज़रूरी है कि कोई बड़े लम्स ना रहें और आपके गुलाब जामुन एकदम स्मूथ बने, एकदम सॉफ्ट बने अंदर से। जो मावा है वो मैंने घर में ऐसे दूध से बनाया है, मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप बिना दूध के कैसे मावा बना सकते हैं। ये हमारा मावा एकदम तैयार है, आप इसे खोया भी कह सकते हैं। इसे हमने ऐसे ग्रेट कर लिया है। अब आप इसमें मैदा ऐड करें। हम पहले थोड़ा मैदा ऐड करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। अगर हमें लगेगा तो हम और मैदा बाद में ऐड करेंगे। इसको ऐसे अच्छे से मिलाएं। आज मेरी दादी मुझे गुलाब जामुन बनाना सिखा रही हैं, तो ये उन्हीं की रेसिपी है। अगर आप उनकी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे ऊपर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली बेसन की चक्की बनाई थी और बालूशाही बनाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई है वो रेसिपीज भी। अब आप अपने दोनों हाथों की मदद से इसको ऐसे मथें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने। आप अगर हलवाई से भी बेटर गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं घर में तो आप इसी तरह से मथें। हम इसे ऐसे अच्छे तरह से मिला लेंगे। अगर अब हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके मावा में कितना घी है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो जो घी है वो आप देख सकते हैं मावे में बहुत अच्छे से। अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड किया है, इसको ऐसे मिलाते चलें हाथ से। ध्यान रखें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए आपके मावे में। अगर आपको थोड़ी सी भी गुठलियाँ दिख रही है तो ये मावे को वापस से किस लें आप अच्छे से, ताकि एकदम स्मूथ बने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और ऐसे अच्छे से मिलाते चलें। हमें इसका एकदम नरम डो बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी ऐड करते चलें। ध्यान रखें हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 से 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये डिपेंड भी करेगा कि आपके मावे में कितना घी है। अगर आपके मावे में ऑलरेडी बहुत घी है तो आपको मावे में दूध या पानी बहुत कम ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा का पानी भी ऐड कर सकते हैं या गुलाब जल ऐड करें। मैं बस एकदम प्लेन पानी ऐड कर रही हूँ। इसको ऐसे डो बनाएं, अच्छे से मिलाते चलें। आपका डो कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अगर आपको लगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दूध भी ऐड करके मथ सकते हैं इसको अच्छे से। देखिए आपका मावा कुछ इस तरह होना चाहिए। इसको अब हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब 15 मिनट बाद ये ढक दें उसके बाद इसको आप ऐसे मथें। ध्यान रखिए मैं मेरे पाम से मथ रही हूँ, जो हथेली होती है आप उससे इसको ऐसे अच्छे से मथते चलें। इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, आपको ग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसे। आप चाहे तो मावे के साथ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बट आज हम प्योर मावे से गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको आप ऐसे मिलाते चलें। ध्यान रखें इसको मसल मसल के आपको डो बनाना है, एकदम स्मूथ डो बन जाना चाहिए रोटी जैसा। अब मैं इस डो को ऐसे मथ के साइड में अलग रख दूंगी। अब हम मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए 150 से 200 ग्राम मावा, जो मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 2 बड़े चम्मच यहाँ आटा ले लें, मैंने यहाँ मैदे की जगह आटा यूज़ किया है। थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे। मिल्क पाउडर वाले गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे बनते हैं, आप यहाँ पे ऐसे घी ले लें। उसके बाद हम जो खोया है उसको मैं एक बोल में डाल दूंगी, इसको मैंने ऑलरेडी ग्रेट किया हुआ है। ये ध्यान रखिए मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है मावा, इसमें हम 2 चम्मच आटा डालेंगे। इसको आप अच्छे से मिलाएं।
जैसे हमने पहले मथा था उसको वैसे वापस मथेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। जो मिल्क पाउडर वाले गुलाब जामुन है ये भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसको ऐसे अच्छे से मिलाते चलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिल्क पाउडर वाले खोए की रेसिपी शेयर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, उसके बाद हम इसे वापस से ग्रेट करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। देखिए ऐसे ग्रेट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसे आप अपने पाम की मदद से अच्छे से मथें 5 मिनट के लिए और उसका एक सॉफ्ट डो बना लें। अब हम ऐसे बॉल्स बना के देखेंगे। अगर आपकी बॉल्स प्रॉपर बन रही है तो आपका डो एकदम तैयार है। ध्यान रखें कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए आपके गुलाब जामुन के डो में। देखिए एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब हम जब तक एक तार की चाशनी बनाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए 800 ग्राम चीनी, 3.5 कप चीनी लें आप, 2 कप आप पानी लें। इसको मध्यम आंच में उबलने दें। हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है जैसे हमने बालूशाही में बनाई थी। आप इसमें थोड़ी सी केसर और इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से आप उबलने दें और बाद में फिर आपकी उंगलियों के बीच में आप चेक करें। जब तक हम गुलाब जामुन के ऐसे बॉल्स बना लेंगे, ध्यान रखें इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसको ऐसे अच्छे से मिलाएं और बॉल्स बनाएं। हमारा जो घी है जब वो मीडियम गर्म हो तब आप इसमें गुलाब जामुन ऐसे डाल दें और एकदम मध्यम आँच में इसे पकाएं। ध्यान रखिए जो आपका घी है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। इसको ऐसे अच्छे से हिलाते चलें और अभी स्पून से इसे मिक्स ना करें। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक स्पून की मदद से इसे फ्लिप करें और दोनों तरफ से अच्छे से सेकें। अगर आपके गुलाब जामुन क्रैक हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड करें, उसको अच्छे से मिलाएं। आपके गुलाब जामुन एकदम तैयार हैं, इसको आप बाहर निकाल लें। जब आपकी चाशनी हल्की गर्म हो तब उसमें गुलाब जामुन ऐड करें। बहुत गर्म में अगर आप ऐड करेंगे तो गुलाब जामुन का जो शेप है वो खराब हो जाएगा। तब आप इसमें ऐसे गरम गरम गुलाब जामुन ऐड करें। इसे हम आधी से 1 घंटे के लिए ऐसे चाशनी में ही रहने देंगे। पूरी चाशनी अंदर तक सोख हो जानी चाहिए। आप गुलाब जामुन के ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल करें, अंदर केसर डालें आप चाशनी में तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं तो मावा बाटी बन जाएगी बहुत अच्छी। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से एकदम मलाईदार कलाकंद। जी हाँ, ये रेसिपी हम सिर्फ 5 में बना लेंगे। ये कलाकंद आपके मुंह में घुल जाएंगे, इतने टेस्टी हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये जरूर बनाएं। इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और हम यहाँ लेंगे 250 ग्राम पनीर। 250 ग्राम पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है या बारीक कीस लें। यहाँ पे आप फ्रेश पनीर यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पनीर की रेसिपी डालूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एक पैन ले लेंगे हम। ध्यान रखें जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम होनी चाहिए। अगर आप एकदम तेज आंच में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है और इसका कलर एकदम लाल हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करें हम। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये पैन छोड़ने लग जाए और ये एकदम लंप या एक इकट्ठा होने लग जाए। वैसा टेक्सचर जब इसका बन जाएगा तब ये एकदम तैयार है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे आप मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, नहीं तो ये बहुत जल्दी पैन से लग जाता है। 2 से 3 मिनट में जो शक्कर होती है वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो थोड़ा सा ये गीला होगा, उसके बाद वापस ड्राई आउट हो जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत सारी झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करी हैं तो उसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट और भुनेंगे। फिर आप डालें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ही इसे बाइंडिंग देगा और एकदम दरदरा टेक्सचर भी, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। मैं एडवाइस करूंगी कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाएं ताकि ये पैन से बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। थोड़ी देर बाद जब ये जो पानी है इसका वो सूखने लग जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा, तो एकदम लंप बन जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा पूरा मिक्सचर। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आप चाहें तो इस स्टेज में इसमें केसर भी डाल सकते हैं तो ये केसर इलायची का कलाकंद बन जाएगा, या फिर आप स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी होती है वो भी डाल सकते हैं।
स्ट्रॉबेरी कलाकंद भी बहुत अच्छा लगता है इस सीज़न में। आपको कलाकंद एकदम तैयार हो जाएगा जब ये पैन छूने लग जाए, फिर इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा करें और उसके बाद हम इसे पैन में निकाल लेंगे। देखिए एकदम इकट्ठा हो गया पूरा मिक्सचर। अब ऐसे आप एक टिन ले लें, उसमें थोड़ा सा घी लगा के इसे ग्रीस करें। फिर मैं एक तरफ सारा मिक्सचर डालूंगी, जैसे हम बर्फी को सेट करते हैं वैसे हम कलाकंद को भी सेट करेंगे। आप एक तरफ सारा मिक्सचर ले लें और एक स्पैचुला की मदद से या फिर एक स्पून की मदद से इसे ऐसे रेक्टेंगल शेप में बना दें। मैं इसे यहाँ टॉप करूंगी ड्राई फ्रूट्स के साथ। अगर आप चाहें तो आप रोज कलाकंद बना सकते हैं, तो आप गुलाब की पत्तियों से भी टॉप करें, बहुत टेस्टी लगता है वैसे कलाकंद भी। मैंने यहाँ पे जो दूध मसाला आता है उससे टॉप किया है, तो इससे थोड़ा सा वो येलो कलर भी आ जाएगा एंड ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स अलग से नहीं हैं तो, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे आमंड्स, अखरोट और पिस्ता सबको बारीक चॉप करके भी टॉप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप इलायची पाउडर भी डालें थोड़ा सा। अब इसे हम सेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। अब इसे हम काट करेंगे। मैं यहाँ 9 पीसेस काट रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो थोड़े छोटे साइज के 12 पीसेस आराम से कट कर सकते हैं। ये जो कलाकंद है ये एकदम बाइट साइज है, एकदम क्विक रेसिपी है, आपकी फैमिली को तो बहुत पसंद आएंगे। बस एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप कलाकंद बनाएं तो इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहें ताकि ये पैन से बिल्कुल भी स्टिक ना करे। पनीर एकदम फ्रेश यूज करें और कलाकंद को हमेशा 24 आवर्स में कंज्यूम कर लें, क्योंकि इसके बाद इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब होने लग जाता है। एकदम फ्रेश कलाकंद तैयार है। कलाकंद आप बनाएंगे बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ, आप चाहें तो गुलकंद या रोज फ्लेवर भी दे सकते हैं। इसमें नारियल का जो बूरा होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ बहुत सारे दिवाली की रेसिपी शेयर करी हैं, शक्कर पारे, नमक पारे, मठरी और गुजिया, ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएंगी, तो ज़रूर ट्राई करें इन रेसिपीज़ को और मुझे आप प्लीज़ शेयर करें आपका फीडबैक। आज हम बनाएंगे एकदम दानेदार बेसन की चक्की, जो आप मुंह में रखेंगे तो घुल जाएगी। ये मेरी दादी के साथ बनाऊंगी आज मैं, उनकी स्पेशल रेसिपी है ये। ये आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। चक्की बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। यहाँ मैंने मोटा बेसन लिया है 1 किलो। आप 750 ग्राम शक्कर ले लें, 2 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर लेंगे हम, 1/2 किलो घी लिया है मैंने, हम लेंगे पानी थोड़ा। यहाँ पर आप 1 ग्लास दूध ले लें, आप 1 ग्राम केसर लें, आप चाहें तो फूड कलर ले सकते हैं। एक बोल में आप बेसन डाल लें, ध्यान रखें मैंने मोटा बेसन यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप तक घी, इसको अच्छे से मिलाएं। ये मोयन का काम करेगा और आपकी चक्की अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगी। ध्यान रखें आपका बेसन कहीं से भी सूखा ना रहे, घी अच्छे से मिल जाए। अब जैसे मैंने मोटा बेसन लिया है इसलिए मैं 100 ग्राम सूजी ऐड करूंगी। अगर आप बारीक बेसन ले रहे हैं तो आप 250 ग्राम सूजी, जो कि पाव भर सूजी होती है, आप ऐड करें और अच्छे से मिलाएं। इससे जो आपकी चक्की है वो बहुत खिली खिली बनेगी। जैसे मेरी दादी दोनों हाथों से इसको मसल रही, आप ऐसे मसलें तो इससे अच्छे से मिल जाएगा घी। आपको इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे मसलना है, जब तक इसका टेक्सचर पूरा सैंडी हो जाए, ऐसा एकदम खुरदुरा टेक्सचर हो जाएगा। इसको अच्छे से मसलें। आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें, ये दूध गर्म है यहाँ पर। मैंने यहाँ 3/4 ग्लास दूध डाला है, इसको अच्छे से मथें। आप एक बड़ी सारी प्लेट ले लें ताकि आप आसानी से इसको मिला सकें। आप यहाँ पर ल्यूकवॉर्म या कुनकुना गर्म पानी ऐड करें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें दूध और पानी दोनों थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। जब आप इसको ऐसे शेप देने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे से डो बन जाएगा। तो ये तैयार है। आप इसको दोनों हाथों से अच्छे से दबा दबा के ऐसे मुट्ठियों में बांध लें, जैसे मेरी दादी बता रही हैं, और ऐसे बीच में उंगलियों का इम्प्रेशन देते हुए आप इसको साइड में रख दें। हम इसे तलेंगे घी में। ऐसे आपको सारे डो का छोटी छोटी ऐसे मुट्ठी से बनानी है। अब ध्यान रखें इसको आप बहुत सॉफ्ट करें, अगर कहीं से भी क्रैक होगा जब आप तलेंगे तो टूट जाएगा।
देखिए मेरी दादी मुझे सिखा रही हैं कैसे करते हैं। दोनों हाथ से इसको टाइटली प्रेस करें, आपकी उंगलियों को बीच में रखें और उससे इंप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, ये एकदम हाई फ्लेम पे है। अब थोड़ा सा जो डो है उसको डाल के देखें, अगर आपका जो आटा है वो घी की सतह पे ऊपर आ जाए तो घी सही तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मुठिये डाल लेंगे, अब आराम से डालें, एक बार में 3 या 4 ही डालें। हम इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। अब आप एकदम जो फ्लेम है उसको कम कर लें, लो फ्लेम में आप इसको पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप बार बार बीच में फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इस तरह से बेसन की चक्की बनाएंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी भी, जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। आप इसको हल्के हाथ से फ्लिप कर लें जब तक दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, ऑरेंजिश रेड जो कलर आया है। अब आप इसको निकाल लें, इसको ठंडा हो जाने दें। आप ऐसे ही सारे मुठ्ठी तल लें, करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे तलने में। अब हम जो मॉर्टल पेस्टल जो ईमानदस्ता जिसे कहते हैं उसकी मूसली लें, उससे इसको ऐसे कूटें। हम इसका एकदम पाउडर टेक्सचर करना है, इस तरीके से आप इसको पूरी तरह से कूट लें। इसका जो टेक्सचर है वो एकदम रेत की तरह होगा, खिला खिला और अंदर से पूरा पीला कलर होगा। अब एक मोटी छलनी से इसको छाने ताकि जो बारीक हमारा बेसन है वो नीचे आ जाए और जो ऐसे मोटे मोटे चंक्स रह गए हैं वो ऊपर छलनी में रह जाए। अब एक मिक्सर जार में जो ये मोटे चंक्स हैं आप उसको डालें और इसको एकदम बारीक पाउडर जैसे पीस लेंगे हम। वापस से इसे छाने और अगर वापस से मोटे चंक्स कुछ रह जाएं तो आप उसको पीस लें। अब आप एक बात का ध्यान रखें कि जो ऊपर की गोल्डन ब्राउन वाली कलर वाला जो मुठिये हैं उसको आप साइड में छान के अलग से रखें, क्योंकि ये ज़्यादा सिके हुए हैं जो राइट साइड वाले हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो अंदर का है वो कम सिका हुआ है। हम इन दोनों की अलग अलग सिकाई करेंगे। अब आप एक कढ़ाई लें बड़ी, उसमें 2 चम्मच घी डालें। अब आप जो कम सिका हुआ मिक्सचर है उसको डालें और सेकें। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ये तो बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है इसका। आपकी जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम होनी चाहिए या लो फ्लेम कर लें आप। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक इसका कलर जो मोटा सिका हुआ हमने पहले से रखा है उससे मैच करे। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक आप इसकी मुट्ठी बनाएं और ये पूरी बिखर जाए, तो इसको सेकते रहें। अब इसमें जो ज़्यादा सिका हुआ था जो हमारा ऊपर की कवरिंग है जिसको मैंने पीस लिया है उसको मिलाएं और सेकें अच्छे से। अब हम एक तरफ चाशनी तैयार करेंगे, इसके लिए आप शक्कर लें और उससे थोड़ा कम पानी डालें। मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी। इसको आप हाई फ्लेम पे अभी रख दें जब तक शक्कर डिजॉल्व हो जाए। देखिए जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। अब आप गैस ऑफ कर दें और हम चाशनी बनाएंगे पहले। जो हमारी शक्कर है वो भी घुलने लग गई है पानी में, इसको अच्छे से मिलाएं और एकदम लो फ्लेम में इसको उबलने दें। अब आप एक बोल में केसर ले लें, मैंने यहाँ 1 डिब्बी केसर ली है, और थोड़ा सा पानी ऐड करें। आप चाहे तो ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट जो केसर से फ्लेवर आएगा वो फूड कलर से नहीं आएगा। हम एक थाली को या ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ घी लिया है, उसको अच्छे से फैला लें। अब जब आपकी शक्कर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। आप यहाँ पर 1/4 गिलास दूध डाल दें, उसको कंटिन्यूसली मिलाएं। हमें यहाँ पे 2 तार की चाशनी बनानी है, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कैसे चेक करते हैं। इसको आप तब तक मिलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे जो केसर है जो हमने डिजॉल्व करके रखी थी वो, इसको अच्छे से मिलाएं। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, जो पानी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा इस टाइम तक,
इसको और मिलाते रहें। चाशनी को चेक करने के लिए आप एक प्लेट में थोड़ी सी निकाल लें चाशनी, और आप चाहें तो आपकी उंगलियों से चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम बेसन में ऐड कर लेंगे। आप गैस एकदम लो फ्लेम पे रखें, इसको अच्छे से मिलाते चलें। हमें तब तक मिलाना है जब तक थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए मिश्रण। पूरी चाशनी अच्छे से मिल जानी चाहिए बेसन में, और बेसन बहुत अच्छे से पानी सोख कर लेता है। इसको मिलाएं, ध्यान रखें फ्लेम एकदम लो हो। अगर आप बारिश के मौसम में बना रहे हैं तो चाशनी थोड़ी सी कड़क रखें। इसको अच्छे से मिलाएं। हमें उतनी ही चाशनी डालनी है जितनी रिक्वायर्ड हो। अब आप ग्रीस करी हुई प्लेट पर निकाल लें, इसको अच्छे से एक चम्मच की मदद से फैलाएं। ध्यान रखें आपको इसे तभी फैलाना जब ये गर्म हो, जैसे दादी इसको प्लेट से ऊपर नीचे कर रही है आप ऐसे करें ताकि ये फ्लैट हो जाए। इसको पैट करें अच्छे से। आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बनाई है बिना इलायची पाउडर की। अब 15 से 20 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और सेट हो जाए, आप इसको ऐसे नाइफ की मदद से सीधी लाइंस में काट लें, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे लाइंस बनाएं। आप जो भी शेप चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। आप चाहें तो इस पे चांदी का जो वर्क आता है वो लगाएं। अब आप इसको अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें, जैसे कि बादाम, काजू या पिस्ता। आपकी चाय एकदम तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको 10 से 15 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी दादी की बनी हुई चक्की पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज हम बालूशाही बना रहे हैं ये मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। एकदम सॉफ्ट बालूशाही बनेगी, इससे अंदर से बहुत जूसी रहेगी और एकदम फ्लेवरफुल। दिवाली पर आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। बालूशाही बनाने के लिए चाहिए 250 ग्राम मैदा, 2 कप शक्कर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ले लें आप। आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप दही, ये फ्रेश दही है। 1/4 कप घी, और हम यहाँ लेंगे पानी आटा गूंदने के लिए। अब आप एक बोल में मैदा डालें। ध्यान रखें मैंने मैदे को छान लिया है ताकि इसमें जो एयर है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से। फिर हम डालेंगे घी, यहाँ आप 1/4 कप घी डालें। आप घी की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बस गर्म करके यूज़ करें। इसको अच्छे से मिलाएं। हमें इसे तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक पूरा घी मैदे में मिल जाए। देखिए आप ऐसे मुट्ठी बना सकें इसकी। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक मीठे में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो हट जाएगा उससे। मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, 1 बड़ा चम्मच। इसे आप अच्छे से मिलाएं। जो बालूशाही होती है उसका एक ट्रिक होता है, अगर आप उसमें नमक डालेंगे तो अंदर का जो रॉ फ्लेवर है वो हट जाएगा। अब आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करें। ध्यान रखें मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है। इसमें आप मिलाएं दही। जो दही है वो उसके अच्छे से बाइंडिंग तो देगी ही, और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे आपके मक्खन बड़े। इसको अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें हमें आटा गूंथना नहीं है, बस आटे को ऐसे कंबाइन करना है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका नरम आटा लगा लेंगे। आप ध्यान रखें ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिलाएं। हमें इसका एक स्मूथ डो तैयार करना है। देखिए ये कुछ इस तरह होना चाहिए। अब आप इसको ढक के रख दें आधे घंटे के लिए। जब तक हम चाशनी बनाएंगे, चाशनी बनाने के लिए आप लीजिए 2 कप शक्कर और 1 कप पानी। ये रेशो आप ध्यान रखें हमेशा। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब आप गैस थोड़ा सा तेज़ कर लें, और जब एक बार उबाली आ जाए तो आप गैस को लो करें और उसको पकाएं 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो चाशनी में केसर और इलायची दोनों ऐड कर सकते हैं। जब ऐसे बबल्स आने लग जाए तो आप फ्लेम लो करें, इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। आप ध्यान रखिए जो आपकी चाशनी है वो वार्म होनी चाहिए जब हम इसको बालूशाही में कोट करेंगे। अब 30 मिनट बाद आप इसके ऐसे छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लें। 30 मिनट में जो आपका बेकिंग सोडा है वो रिएक्ट करेगा और ये आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। इसको आप ऐसे गोल करें और बीच में एक छेद करें, जैसे हम डोनट्स बनाते हैं तब उसमें करते हैं, और उसको साइड में रख दें।
ऐसे आप सारे ही डो के बना लें। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आप दोनों हाथ के बीच में इसको ऐसे रखें, ऐसे अच्छे से मस लें और बीच में ऐसे होल करें और साइड में रख दें। आप इस डो से कुछ 15 से 20 मक्खन बड़े बना सकेंगे। अब आप एक कढ़ाई में घी ले लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे गाय का फ्रेश घी लिया है, आप चाहें तो तेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए आपका घी बहुत मध्यम आंच पे होना चाहिए, एकदम हल्की आंच होनी चाहिए और एक एक करके आप इसमें मक्खन बड़े डालें। अगर आपकी आंच थोड़ी सी भी तेज होगी तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से पूरे कच्चे रहेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये ऊपर ऐसे सतह पे तैरने लग जाए। अब आप इसको धीरे धीरे करके पलटें। हम इसे दूसरे साइड से भी 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप थोड़ी सी आंच तेज करें। ध्यान रखिए आप इसको जितने पेशेंटली अच्छे से तलेंगे ये और अच्छे बनेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और टिप है, जब आप इसको पलटें तो हल्के हाथ से पलटें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, अंदर से टूट जाएंगे। अगर आपका आटा जो है वो बहुत कड़क होगा तो ये इस टाइम पे फूट जाएंगे, इसलिए आप आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे, 5-7 मिनट। आप एक टाइम पे बहुत सारे मक्खन बड़े ना डालें कढ़ाई में, इसको अच्छे से पलटें। अब ध्यान रखें हमें मक्खन बड़े गरम चाशनी में डालने हैं, दोनों ही गरम होना चाहिए ताकि इसकी जो चाशनी है वो अंदर तक जाए। हम 5 से 6 मिनट में इसको निकाल लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा जो टेक्सचर है उसका दिखने लगा है, अंदर से ये बहुत खिले खिले बनेंगे। मैं आपको पूरी स्टेप्स दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि क्या कलर आएगा और क्या टेक्सचर आएगा। अब आप इसको एक प्लेट पर निकाल लें, जिसका एक्सेस घी है उसको निकालें। हमें चाशनी एकदम गरम लेनी है, ये देखिए एक तार की चाशनी होनी चाहिए आपकी। अब हम एक एक करके मक्खन बड़ा इसमें डिप करेंगे और इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए एक तरफ से कोट होने दें, फिर इसको आप फ्लिप करें और दूसरी तरफ से भी 5 से 7 मिनट के लिए इसको सोक करें। आपके जो जूसी मक्खन बड़े हैं वो एकदम तैयार हो जाएंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं ये। आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या आप इसको एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। आपको ये रेसिपीज पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।